मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जो यूपी दौरे पर हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। सर, पहले आजमगढ़, फिर यूपी के अलग अलग ज़िले और मुंबई, इसके साथ साथ देश के अलग अलग हिस्सों में जा रहे हैं, क्या माहौल लग रहा है पूरे देश में? चारों तरफ मोदीमय माहौल है। भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से जीत रही है। जिस प्रकार के पाँचवें चरण के नज़दीक हम पहुँच गए और इस चरण के अंतर्गत जो माहौल दिख रहा है, फिर एक बार मोदी सरकार, अब की बार 400 पार। और उससे ज़्यादा अच्छी बात यह है कि जनता ने विपक्षों को सबक सिखाने का मौका ढूंढ लिया है। जिस ढंग का स्पार्क आ रहा है, मैं जो कल रात को मुंबई था, आज रात को दिल्ली जाने वाला हूँ, जिनमें यूपी था, मैं देख रहा हूँ कि मोदी जी का काम, मोदी जी का नाम, मोदी जी के लिए लोगों के दिल में प्रेम है, वो अपार है, उसका जबरदस्त लाभ मिलेगा। सर, यादव बाहुल इलाकों में जहाँ पर आप जाते हैं, वहाँ पर हम लोग उन लोगों से बातचीत करते हैं और वो कहते हैं कि हमें सर्वमान नेता के तौर पर आप मानने, क्योंकि छोटे से कार्यकर्ता के साथ साथ मुख्यमंत्री पद तक पहुँचे। माननीय मोदी जी ने कहा ही है सबका साथ सबका विकास, और कहीं भी बात को सामने चरितार्थ होते देखते हैं तो उसका असर आता ही है। और केवल यादव बहुल में, सभी क्षेत्रों में जहाँ भी जा रहा हूँ, हर जगह से लाभ मिल रहा है। विजय बात का तो मैं खुद अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में, हमारी आबादी को मैं कई बार बता चुका हूँ कि हम तो बहुत थोड़ी संख्या में, लेकिन सभी लोग केवल भाजपा के कारण से वोट देते हैं। तो ये भाजपा ने जो विश्वास बनाया है 70 साल के अंदर अपनी पार्टी के माध्यम से, ये सच्चे अर्थों में लोकतंत्र के लिए नींव का काम करेगा। इसमें हर कोई व्यक्ति हर कहीं से खड़ा होकर के कोई भी जवाबदारी संभाल सकता है। ये विश्वास हुआ और माननीय मोदी जी उसका उत्कृष्ट उदाहरण है। स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी उसके उदाहरण थे। और आज हम जैसे कई कार्यकर्ता जो अलग अलग दायित्वों का निर्वहन कर रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी का राजनीतिक नेतृत्व एक तरह से कार्यकर्ता आधारित नेतृत्व है। हमें इस बात की प्रशंसा भी करना चाहिए। और मैं आपसे आह्वान करूंगा, अब जहां जिसके जितने दौर के चुनाव बचे हैं, सभी लोग मिलकर के भारतीय जनता पार्टी को भारी बहुमत से जिताएं। एक आखिरी सवाल सर, राहुल गांधी चुनाव लड़ रहे हैं और लगातार उनकी बहन उनके लिए कन्विंसिंग कर रही है, प्रचार कर रही है, इंडी गठबंधन। बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है कि कल उनने इंटरव्यू मैंने देखा प्रियंका गांधी का, जिसमें उनने कहा कि भाई मैं इसलिए चुनाव नहीं लड़ी कि मेरे भाई का चुनाव प्रचार करना है। तो वो कहाँ प्रधानमंत्री का सपना देख रहे हैं और कहाँ एक सीट बचाने के लिए उनके बहन भाई सबको लड़ना पड़ रहा है। तो ये दुर्भाग्य है कांग्रेस का, और इनका मतलब है कि चुनाव की पराजय पहले से ही उन्होंने मान ली कि उनको मेहनत करना पड़ रही है। देखो, एक मोदी जी चुनाव लड़ रहे हैं, पूरे देश में घूम रहे डंके की चोट, और गुजरात से आकर यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं, ये हिम्मत की बात होना चाहिए ना। तो चुनाव लड़ने में अगर ये हिम्मत नहीं है तो इसका मतलब चुनाव के पहले ही रिजल्ट आ गया, इसमें बचा क्या। इंडी गठबंधन को लेकर साफ तौर पर कहा है कि चुनाव जीतने से पहले ही वो लोग हार मान चुके हैं, साथ ही साथ बीजेपी के 400 मिशन का, जो 400 पार का मिशन है, उसके पार होने का दावा भी कर रहे हैं। कैमरामैन शिवम त्रिपाठी के साथ आदर्श सिंह, विस्तार न्यूज़, गाजीपुर।